नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका सरिता की रसोई में। ट्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी जी का, वो भी बिहारी स्टाइल में, बिल्कुल मटन की तरह। ट्रेंड चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे बनाएंगे हांडी चिकन। तो फ्रेंड, हांडी चिकन बनाने के लिए लिए हम 1 kg चिकन, जिसे हम अच्छे से धुलाई कर लिए हैं 2 से 3 पानी। तो इसे हम अब मटन स्टाइल में बनाएंगे। तो पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम चिकन को रखेंगे, तो बिल्कुल मटन का स्वाद आएगा आपको और खाने में बहुत ही मस्त लगता है। इसमें हम मिलाएंगे कटा हुआ प्याज। तो फ्रेंड, इसमें हम 1/2 kg प्याज डाल रहे हैं, जिसे हम इस तरह से काट लिए हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, और 10 से 12 इसमें हम गोल मरीच डाले हैं। तो इसे हम पेस्ट बना लिए थे। इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च, तेजा वाला लाल मिर्च है, तो तीखा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसलिए हम 2 चम्मच का इस्तेमाल किए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार हम नमक मिलाएंगे, और 1 चम्मच हम सरसों का तेल मिलाएंगे, और इस सब को मिलाकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, अच्छे से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो हांडी में चलाने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और इसमें हम मिलाएंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का कूटा हुआ थोड़ा सा मिलाएंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड। तो आप इसको ज़रूर मिलाइएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे कूट लिए थे दर दरा, और इसमें हम मिला देंगे। तो फ्रेंड, चिकन मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम मिक्स कर लिए हैं, और अब करेंगे हम हांडी को गरम। तो हम गैस पे ही बना रहे हैं, चूल्हा पे नहीं बना रहे हैं। तो हांडी गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन या मटन, तो हम सरसों का तेल डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड, 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालें हांडी में, इसको हम अच्छे से कर लेंगे गरम। तो तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा को हम चटका लेंगे। तो चटकने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर चटकाइएगा। तो फ्रेंड, थोड़ी सी हम खड़े मसाला का इस्तेमाल किए हैं, और इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता और 4 से 5 लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से स्वाद अलग आएगा आपका। इसमें हम डालेंगे 3 साबुत लहसुन, लहसुन से बहुत ही अच्छा खाने में लगता है, तो हम ज़रूर डालते हैं, और हांडी में तो और भी टेस्ट लाता है। इसे हम अच्छे से चटका लेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे चिकन को, जो हम अच्छे से मसाला में मिक्स कर लिए थे। तो इस तरह से हम सारे चिकन को हांडी में डाल देंगे। तो फ्रेंड, पूरे चिकन को हम हांडी में डाल दिए हैं, इसे हम थोड़ा चला लेते हैं। तो ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, 2 से 3 बार चलाइएगा। कम से कम 30 मिनट आपको लगेगा बनने में, और आपका चिकन बन के हो जाएगा रेडी। तो हांडी का चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। तो इसे हम ढक देंगे, और इस तरह से घुमा घुमा के हम बीच बीच में चला लेंगे, और मीडियम आँच पर ही हम पकाएँगे। तो फ्रेंड, 4 से 5 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आने लगा है, और अच्छा सा खुशबू भी आ रहा है। तो इसी तरह आप बनाइएगा ढक ढक के। तो फ्रेंड, बीच बीच में हम इस तरह से पकड़ के इसे हम अच्छे से हिला देंगे, ताकि चिपके ना चिकन।
तो फ्रेंड 20 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही टेस्टी खुशबू भी आ रहा है। तो फ्रेंड 5 मिनट और लगेगा इसे पकने में और चिकन बन के हो जाएगा रेडी। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही स्वादिष्ट बना भी है। अब आपको हम दिखाएंगे प्लेट में निकाल कर कि कैसा बना है। आप लोग अपने घर में इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ज़रूर बनाकर खाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा चिकन हांडी का रेसिपी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना लाजवाब पका है लेग पीस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी खुशबू भी आ रहा है। तो फ्रेंड फाइनल चिकन बन के हो चुका है रेडी, तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं कैसा बना है। तो फ्रेंड आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा चिकन का रेसिपी, आप हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लग रहा है। फ्रेंड इस पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता का इस्तेमाल करेंगे तो इससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अब चावल के साथ परोस के कैसा लग रहा है। फ्रेंड चावल और चिकन हम प्लेट में निकाल दिए हैं, तो आप लोग को कैसा लगा मेरा हांडी चिकन का रेसिपी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।